Hey guys, welcome back to the channel and welcome to another video. So guys, recently मैं आई हूँ वैकेशन से एंड मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ व्हाट्स इन माय वैकेशन मेकअप बैग. आई नो जब हम लोग वैकेशंस पे जाते हैं हमें नहीं पता होता है कि हम किस तरीके का मेकअप कैरी करें एंड आई एम श्योर दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू. आप इसी तरीके का यू नो मेकअप कैरी कर सकते हैं या फिर आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं. तो चलो बिना देर करें हम शुरू करते हैं वीडियो. एंड मैंने अभी तक अपना ये वाला बैग अनपैक नहीं किया है. मेकअप का सारा सामान इसमें रखा हुआ है बिकॉज आई वॉन्टेड इट टू शो इट टू यू गाइज. तो चलो बिना देर करें शुरू करते हैं वीडियो. लेकिन वीडियो में जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग जाता है तो आपको करना है इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. सब्सक्राइब के बाजू में छोटी सी घंटी उसे हिट कर देंगे तो आप अपडेटेड रहेंगे जब भी मैं नए वीडियो डालूंगी. तो चलो बिना देर करें शुरू किया जाए. सो एक इस तरीके का बड़ा पाउच आप कैरी कर सकते हैं अगर आप कोई भी वैकेशन पे जा रहे हैं. अभी इसमें सबसे पहली चीज़ मैं देखती हूँ क्या क्या निकल रही है इस पिटारे में से. जो भी हाथ में पहले आएगा मैं वो बता दूंगी. सबसे पहला चीज़ मैं कैरी करती हूँ ये स्पंज. ये है ब्लू हेवन का स्पंज. दिस इज़ अमेजिंग. इसको मैंने 2-3 बार वॉश करके यूज़ किया था वहाँ पे. ठीक है. नेक्स्ट मेरे पास है कॉम्पैक्ट एंड मैंने इस बार लैक्मे 9 to 5 का कॉम्पैक्ट लिया था. दिस इज़ इन द शेड आमंड मैट. इस तरीके के कॉम्पैक्ट्स ना काफ़ी अच्छे होते हैं एंड ये मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है इसलिए मैंने इतना ज़्यादा यूज़ करा हुआ है. सो इफ़ यू आर ट्रैवलिंग ऑफकोर्स कॉम्पैक्ट इज मस्ट. नेक्स्ट मैंने जो कैरी किया था वो कैरी किया था नाइका का आई पैलेट एंड दिस इज़ जस्ट विंक इट आई शेडो पैलेट. इट्स स्वीट संडे शेड्स हैं मतलब वेरियंट है इसका एंड इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल कलर्स हैं गाइज. इफ़ यू गाइज कैन सी यहाँ पे शिमर कलर्स आपको दो मिल जाते हैं, न्यूट्रल्स मिल जाते हैं, देन यू विल गेट दिस पिंक बेरी कलर जो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, देन यू विल गेट ब्राउन कलर फॉर योर आईब्राउज. तो इस तरीके का पैलेट ना काफ़ी हैंडी होता है. इवन इफ यू आर नॉट कैरिंग एनी ऑफ योर यू नो ब्रॉन्जर वगैरह तो भी आप ये ब्राउन शेड्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं एज ब्रॉन्जिंग. और आप यू नो इसको बहुत ही मल्टीपल तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं. सो इवन ब्लश के लिए यू कैन यूज़ दीज काइंड ऑफ शेड्स. तो ये बहुत ही हैंडी है बट मैंने डिफरेंट चीज़ें भी कैरी करी हैं. इफ़ यू वॉन्ट यू कैन यूज़ दिस पैलेट मल्टीपल टाइम्स. नेक्स्ट मैंने जो कैरी किया था दिस इज़ ऑफकोर्स मस्कारा एंड दिस इज़ कलर बार जूम एंड वूश मस्कारा. ये बहुत ही ब्यूटीफुल मस्कारा है इवन आई एम वेयरिंग राइट नाउ गाइज. ये फॉल्सीज का इफेक्ट देता है. इट्स वन ऑफ माई फेवरेट. नेक्स्ट चीज़ जो मैंने कैरी किया है दिस आई यू नो कैरीड मेबलिन का मास्टर क्रोम मास्टर कंटोर पैलेट एंड दिस इज इन द शेड मीडियम. इसमें ना बहुत ही प्यारे शेड्स हैं गाइज. लाइक सीरियसली यहाँ पे आपको बहुत प्यारा सा ब्राउन्जर मिल जाता है, देन यू विल गेट ब्लश एंड हाईलाइट. इसका हाईलाइटर इज लाइक सीरियसली बॉम गाइज. इतना ब्यूटिफुल शेड है ना. इसका हाईलाइटर एंड ब्राउन्जर इज वन ऑफ माई फेवरेट्स. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ये मैंने स्किन केयर के लिए कैरी किया था. दिस इज उपकर्मा का नाइट सिरम. दिस इज़ करंटली आई एम यूजिंग लाइक एवरी डे लाइक एवरी नाइट. एंड एक स्किन केयर कैरी करना बहुत ज़्यादा मैटर करता है बिकॉज ऑफकोर्स आप इतना ट्रैवल कर रहे हैं तो आपकी स्किन को एक स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है. तो इसलिए मैं ये वाला सीरम लेकर गई थी. नेक्स्ट वॉट आई हैव दिस ग्रीन आई पेंसिल. दिस इज़ कीको मिलानो का एम्ब्रॉयड ग्रीन शेड है. दिस इज़ अ ब्यूटिफुल शेड. लाइक सीरियसली इसका कलर बहुत ही सुंदर है गाइज. ये देखो बहुत ही प्यारा ग्रीन है. तो ये मेरे को बहुत पसंद है यूज़ करना इवन एज अ काजल एज अ लाइनर. तो ये मैं एक हमेशा कलर्ड पेंसिल कैरी करती हूँ एंड आजकल ना कलर्ड आई लाइनर एंड इसके बहुत ज़्यादा ट्रेंड है तो इसलिए मैंने कैरी किया. नेक्स्ट जो मेरे पास है दिस इज़ मेबलिन फिट मी लूज पाउडर. सो दिस इज़ इन द शेड 30 मीडियम डीप. ये वाला जो कॉम्पैक्ट होता है ना मतलब ये जो लूज़ पाउडर है बहुत अच्छे से आपका कंसीलर फाउंडेशन बहुत अच्छे से सेट कर देता है. तो ये वाला जो कॉम्पैक्ट है ये मैं यूज़ करती हूँ फॉर टचअप्स एंड ये मैं एकदम फिक्स करने के लिए यूज़ करती हूँ. तो ये मेरे बहुत काम आया है इस बार बिकॉज इसका फिनिश ही बहुत स्मूथ होता है. नेक्स्ट आई took this lotus का sunscreen. Of course sunscreen is mandatory if you are going on vacations. This is must have thing in your you know makeup pouch.
तो ये सनस्क्रीन मैंने मैट वाला कैरी किया था, दिस इज़ SPF 40, तो ये बहुत ही अच्छा काम आया क्योंकि मैट फिनिश देता है तो आप मेकअप के अंदर आराम से वेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने कैरी किया था निविया का फ्रेश नेचुरल 48 आवर प्रोटेक्शन, दिस हैज़ 0% अल्कोहल और ये बहुत ही प्यारा है गाइज। इसको यूज़ करने से ना आपके बिल्कुल भी स्वेट जो है स्मेल नहीं करता है, तो ये सच में बहुत सही चीज़ है एंड वैकेशन के लिए तो स्पेशली बहुत ज़रूरी होता है, भले सर्दी में आप जा रहे हो या गर्मी वाले वैकेशन पर जा रहे हो, दिस इज़ मस्ट हैव। नेक्स्ट क्या है मेरे बैग में, ओके सो आई कैरी दिस बॉडी लोशन, ऐसे छोटे छोटे बॉडी लोशंस मैं भर के ले जाती हूँ, दिस इज़ बाय बायोटिक, ये मुझे कहीं तो होटल में मिला था तो मैं सेम उठा के ले गई इसमें भर के। देन मैंने एक और बॉडी लोशन कैरी किया था, ये क्लब महिंद्रा का डब्बा है, इसमें मैंने अपना वैसलीन वाला बॉडी लोशन कैरी किया था। इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड कि मैंने कौन सा वाला कैरी किया था, सो ये वाला मैंने भरा था, दिस इज़ वैसलीन कामिंग लेवेंडर बॉडी लोशन, सो या दैट वॉज रियली गुड। नेक्स्ट मैंने कैरी किया था, ऑफकोर्स मेकअप के साथ मेकअप रिमूवर बहुत ज़रूरी है, अगर आप पूरा दिन ट्रैवल करके आ रहे हैं दिस इज़ मस्ट हैव, तो ये बहुत ज़रूरी है, तो मैंने ये वाला कैरी किया है गार्नियर का मिसला वाटर, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, ठीक है। उसके बाद मैंने जो कैरी किया था वो ये है, दिस इज़ लेंस के डब्बे में मैंने इसमें पता है क्या भर रखा है, जस्ट शो इट टू यू, दिस हैज़ प्राइमर, एक साइड मैंने प्राइमर भर रखा है क्योंकि थोड़ा सा लगता है जब आप कहीं रेडी होना चाहें वेकेशन पे तो ऑफकोर्स, एंड फाउंडेशन, तो यहाँ पे ये फाउंडेशन है, ये मैंने थोड़ा सा भर लिया था, ये बहुत ज़्यादा काम आता है, प्लस आपको हैवी फाउंडेशन के बॉटल्स कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, इफ़ यू आर कैरिंग समथिंग यू नो लाइक दिस, तो सोचो इतनी छोटी सी चीज़ में आपको फाउंडेशन एंड प्राइमर दोनों आ गया और बहुत कम क्वान्टिटी में लगता है इफ़ यू आर ऑन वेकेशंस। नेक्स्ट मैंने कैरी किया था ये दिस इज़ मॉइस्चराइज़र, ये मैंने एक डब्बे में भर के ले गई थी मैं, तो ये छोटा सा डिब्बा है जो बहुत ही फ़ायदा किया, लाइक मैंने 2-3 बार इसे यूज़ किया और अच्छा खासा चला। इसमें है पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट मॉइस्चराइज़र्स। नेक्स्ट मैंने कैरी किया था ये नेल पेंट, क्योंकि मैंने इसी कलर की नेल पेंट लगाई थी और अगर वो गलती से चिप ऑफ हो जाती है कुछ हो जाता तो मैंने सोचा मैं उसी के ऊपर ही इसे चढ़ा लूँगी, तो एक नेल पेंट मैं कैरी करके लेकर गई थी। नेक्स्ट मैं लेकर गई थी काजल, एंड दिस इज़ प्लम का काजल मैं ले गई थी, वाई बिकॉज प्लम के काजल बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, लाइक 48 आवर्स 36 आवर्स आपके आँखों से तस से मस नहीं होता है, तो ये बहुत अच्छा है एंड एकदम इंटेंस डार्क है, तो इसलिए मैं ये वाला लेकर गई थी। नेक्स्ट मैं जो ले गई थी वो मैं स्विस ब्यूटी का लिक्विड आई शेडो लेकर गई थी, ये वाले आई शेडोज ना अगर इवनिंग में कुछ भी ऐसे डीजे नाइट है या पार्टी में जा रहे हैं आप इस तरीके का आई शेडो ले जाइए, ओ माय गॉड एकदम बॉम्ब लगता है गाइज, और इतनी सुंदर आपकी आँखें लगेंगी ना, मैंने तो यूज़ किया था मैं तो बहुत खुश हो गई थी कि ग्लैड आई गॉट दैट। नेक्स्ट मैंने ये लिपस्टिक लिया था, पिंक कलर की लिपस्टिक, अभी ये लिपस्टिक में ना मैं इसे एज अ ब्लश यूज़ करती हूँ, क्योंकि जब भी आप वेकेशन पे होते हैं आपको पाउडर ब्लशेस नहीं लगाने चाहिए क्योंकि वो कहीं ना कहीं धुल जाते हैं या कुछ हो जाता है, तो मैं हमेशा लिक्विड चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, तो कंटोर तो मैं ज़्यादा नहीं करती, ब्रॉन्जिंग में ज़्यादा नहीं करती हूँ, बट अगर मेरे को कुछ मेकअप नहीं कैरी करना है तो मैं सिर्फ हल्का सा लिपस्टिक लगाती हूँ गालों पे एंड ब्लेंड कर लेती हूँ, इट लुक्स बॉम्ब। नेक्स्ट मैं कपल ऑफ लिपस्टिक्स और लेकर गई थी एंड थोड़े ज़्यादा लिपस्टिक्स लेकर गई क्योंकि आई लव लिपस्टिक्स। एक मैं लेकर गई हूँ ये पिंक कलर की, कोई भी आपके पास पिंक लिपस्टिक आप ले जाइए, दिस इज़ इन द शेड आई रिप्रेजेंट 114 बाय लॉरियल पेरिस, ठीक है। नेक्स्ट मैं लेकर गई थी लोकल ब्रांड की लिपस्टिक है, दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड जूस मैट एंड ये M76 शेड है। उसके बाद मैं लेकर गई थी एक रेड लिपस्टिक बिकॉज दिस इज़ मस्ट, अगर आप कुछ भी यू नो पार्टी नाइट है आपका कुछ भी है तो ऑफकोर्स एक ऐसा होना चाहिए कि यू नो यू आर कैरिंग गुड लिपस्टिक, तो ये रूबी वो शेड है माय फेवरेट एंड दिस इज़ लाइक सीरियसली माय फेवरेट शेड, और मैं ये वाला लेकर गई मैक का। नेक्स्ट एक बहुत ज़रूरी होता है कि आप एक न्यूड शेड लेकर जाएँ, तो मैंने ये आई एक्सप्लोर शेड ले लिया था, दिस इज़ अगेन वन ऑफ माई फेवरेट लॉरियल पेरिस का, और एक और न्यूड शेड मैंने कैरी किया था बिकॉज ये बहुत ही प्यारा न्यूड है, दिस इज़ फ्रॉम दी नायका लिप एंड चिक कलर मॉल्टन मैट, दिस इज़ इन द शेड रेचल
अमेजिंग शेड है. नेक्स्ट जो दो लास्ट आइटम्स हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट नेक्स्ट जो आइटम है दैट इज ये ब्लू हेवन का छोटा सा आई लाइनर है. दिस इज वाटर प्रूफ एंड दिस इज ब्राउन कलर्ड आई लाइनर. बहुत ही ब्यूटीफुल है गाइज. मैंने इसे दो तीन बार यूज़ करा एंड आई एम सीरियसली हैप्पी विद द रिजल्ट बिकॉज ये बहुत ही डिफरेंट लुक देता है. एंड आजकल ब्लैक आई लाइनर्स काफ़ी कम चल रहे हैं तो मैंने एक बार भी अपने ट्रिप में ब्लैक आई लाइनर नहीं लगाया एंड कलरफुल आई लाइनर ही लगाया. सो आई टुक दिस वन. नेक्स्ट जो मेरे पास है वो है शुगर की आई पेंसिल. ये पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है तो ये मैं कैरी करके लेकर गई थी. अगेन दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट आईब्रो पेंसिल. आई पेंसिल नहीं, आईब्रो पेंसिल था. उसके बाद आई टुक कपल ऑफ ब्रशेस. अभी ब्रशेस में ये वाला जो ब्रश है ये यू नो कबूकी ब्रश. इससे एक तो आपका फाउंडेशन बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाता है. आप कॉम्पैक्ट इसे लगा सकते हैं, आप लूज पाउडर इसे लगा सकते हैं, आप ब्लश लगा सकते हैं, आप कंटोर लगा सकते हैं, ब्रॉन्जर ब्लेंड कर सकते हैं. तो ये बहुत ही प्यारा ब्रश है. तो या दिस इज़ मल्टीपल पर्पस. देन मैंने दो ब्लेंडिंग ब्रशेज रखे हुए थे इस तरीके से, थोड़े फ्लफी, एक ज़्यादा फ्लफी था और एक थोड़ा यू नो टेपर्ड काइंड ऑफ फ्लफ था. तो ये फ्लफी ब्रशेज मैंने ले लिए थे. एक छोटा सा प्रिसाइज ब्रश लिया था, बहुत ही छोटू सा ये. फिर एक एंगुलर ब्रश बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आपको कुछ लाइनर लगाना हो. एक स्पूली, इसकी खैर ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे आईब्रो यू नो शुगर के आईब्रो वाले पेंसिल में ही एक स्पूली थी तो दिस वॉज नॉट नेसेसरी बट आई टुक. एंड एक होता है जो नॉर्मल यू नो ब्रश ऑफ अगर आपको करना हो वाला ब्रश, तो इसे मैंने हाईलाइटर वगैरह अप्लाई किया था. तो दिस इज़ अगेन द लास्ट ब्रश. उसके बाद मैंने ना दो तीन टिकटॉक्स कैरी करे थे, दो तीन टिकटॉक्स कैरी करे. इस तरीके के क्लिप्स बहुत ज़रूरत है फिर ऑन वेकेशन. देन सेफ्टी पिन्स हैं कुछ एंड कुछ हेयर टाइज हैं, ये बहुत मैंडेटरी है. एंड इसके बाद मेरा ये बैग खाली होता है, इसमें अब कुछ भी नहीं है. तो येस गाइज, ये सारी चीज़ें मैं लेकर गई थी अपनी वैकेशन पे. एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा. और अगर आप पसंद आया तो आप करना इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. सब्सक्राइब के बाजू में छोटी सी घंटियों से हिट कर देंगे तो आप अपडेटेड रहेंगे जब भी मैं नई वीडियोज डालूंगी. इसी के साथ मैं खत्म करती हूँ वीडियो और मिलती हूँ मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय.